वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सारे एमसीक्यूज जो बिहार बोर्ड 2021 में पूछा गया, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ में। तो हम लोग इसका इस पर ऑलरेडी जो सारे आंसर है उसका वीडियो बना चुके हैं और आज हम लोग इसमें पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, इफ़ ए परपेंडिकुलर बी देन ए डॉट बी क्या होगा। तो ये सिंपल इसका क्या होता है, टू जीरो देन सी इज द राइट आंसर। ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। क्या है, आई डॉट जे क्रॉस के। तो इसको किस तरह से करेंगे, इसको अगर हम लोग सोल्व करने जाते हैं तो इसको हम लोग कितने बार पढ़ चुके हैं, जैसे आई डॉट जे क्रॉस के। तो पहले सबसे पहले हम लोग करेंगे जे क्रॉस के क्या होता है। तो अगर तीन वेक्टर इस तरह से सर्कुलर ऑर्डर में है आई जे के, तो किस तरह से साइकिल बनता है, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, इस तरह से ये जे वेक्टर है, सॉरी ये जे वेक्टर है और ये के वेक्टर है, देन जे क्रॉस के इक्वल टू आई वेक्टर, देन आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर हो जाएगा, आई डॉट वाई क्या हो जाता है, मतलब यूनिट वेक्टर है आई जे के, क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तो दो यूनिट वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट में रहता है तो उसका वैल्यू वन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन, देन बी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से इसको हम लोग शो करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर थर्ड है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन करने के लिए सिंपल हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स पर पावर जीरो मानते हैं हम लोग या लॉग एक्स, तो ये दो का इंटीग्रेशन हो गया यू एंड वी। तो इसको हम लोग सबसे पहले किस तरह से करते हैं, फर्स्ट तो सबसे पहले हम लोग लेंगे लॉग एक्स जैसा है वैसा रह जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन एक्स का पावर जीरो, तो एक्स का पावर जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स देन इंटू एक्स माइनस, फिर जो फंक्शन को लिए थे उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, देन वन अपॉन एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, देन एक्स इंटू डी एक्स होल का इंटीग्रेशन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, देन हो जाएगा एक्स लॉग एक्स, फिर माइनस यहाँ पे वन आया तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी एक्स देन एक्स, देन एक प्लस कॉन्स्टेंट के, देन एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस के इज द राइट आंसर, देन सी इज द राइट आंसर, गो फॉर सी, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस के का होल स्क्वायर। तो यूनिट वेक्टर इस तरह से लगते हैं, इसका मतलब भी होता है वन, देन वन का होल स्क्वायर वन, देन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर फाइव। फाइव नंबर प्रॉब्लम क्या है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली देन। तो ये जो है वो डायरेक्शन जो रेशियोज का जो होता है वो क्या होता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, अल्फा बीटा जो एंगल बनता है एक्स वाई ये के साथ। तो इसको किस तरह से हम लोग करते हैं, अगर पढ़े होंगे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, तो सपोज ये एक्स वाई जेड ये इस तरह से रहता है, ये एक्स एक्स वाई जेड सपोज ये एक्सिस है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है वो लाइन है यहाँ से इस तरह से ओरिजिन से, तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल जो रहता है वो क्या रहता है, अल्फा बीटा गामा इस तरह से रहता है, देन तो उसका क्या होता है, कोसाइन का जो होता है स्क्वायर होता है वो क्या होता है, इक्वल टू वन होता है, देन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू वन, देन डी इज़ द राइट आंसर। इसको इस तरह से समझेंगे, बीटा इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इन टू रूट अंडर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, उस पर इस पर हम लोग पुट करेंगे, पर इसमें वैल्यू नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन इसका समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर सेवन क्या है, इफ़ ए बी सी आर थ्री इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो क्या होगा। तो कोई जब इंडिपेंडेंट इवेंट रहता है तो प्रोबेबिलिटी में तो क्या होता है, उसका सिंपल क्या हो जाता है, पी ए बी सी का मतलब क्या हो गया, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी है, मतलब इंटरसेक्शन पी ए बी को, ये पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को पी ए बी सी डायरेक्ट लिखते हैं, देन पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, इस तरह इसका होता है, तीन स्वतंत्र घटनाएं हैं तो, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर एट क्या है, पी ए प्लस पी ए डैश इक्वल टू वन, ये होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, पी ए इक्वल टू वन माइनस पी ए डैश पढ़ते हैं, देन इस इधर जाएगा तो पी ए प्लस पी ए डैश इक्वल टू वन, देन क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। वन माइनस पी ए इन पी डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू क्या, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसको बस याद रखना है, पी ए यूनियन बी, देन बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट 10 नंबर प्रॉब्लम है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू दिस ना सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स दिस। तो यहाँ पे सबसे अगर आपको इसके लिए आपको ग्राफ का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए तभी ये प्रॉब्लम बन पाएगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। तो कैसे ग्राफ बनेगा, सबसे पहले एक्स एक्सिस बाई एक्सिस है, देन यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो बाई ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स यहाँ पे दोनों इस एक्सिस में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो बाई ग्रेटर देन जीरो, एक्स प्लस बाई लेस देन इक्वल टू फोर। तो पहले इसको इक्वलिटी कर देंगे, एक्स प्लस बाई इक्वल टू फोर का ग्राफ बनाएंगे। तो इस तरह से कुछ आएगा, कट करेगा यहाँ पे फोर पे और जीरो पे, इधर कट करेगा जीरो और फोर पे, एक्स एक्सिस को और बाई एक्सिस को। अब लेस देन फोर है, लेस देन फोर है मतलब यहाँ पे दो तरफ का कंडीशन होता है, ग्रेटर देन और लेस देन। तो लेस देन है मतलब अंदर वाला पार्ट कलर होगा। तो अब इसका कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, तो कॉर्नर पॉइंट जीरो ए और बी, तो तीन कॉर्नर पॉइंट हो गया जीरो ए बी, जीरो तो जीरो जीरो हो गया, ए हो गया आपका जीरो एंड फोर, बी हो गया फोर जीरो। तो अब तीनों पे जो जेड का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मेरा आंसर होगा। तो जेड का वैल्यू तो जीरो जीरो पे तो जीरो होगा, अब बी ए जीरो और फोर, जीरो और फोर मतलब एक्स इक्वल टू जीरो बाई इक्वल टू फोर, देन क्या हो जाएगा सोलह। और अगर हम लोग लिखते हैं फोर जीरो पे तो फोर जीरो पे तो ट्वेल्व होता है, देन सोलह क्या है मैक्सिमम है, देन सिक्सटीन इज द राइट आंसर। इस तरह से इसको बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाट। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। टू टेन इनवर्स एक्स का दो फॉर्मूला होता है, टू टेन इनवर्स एक्स का तीन फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक साइन में कॉस में और टेन में। तो तीनों फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। यहाँ पे कॉस में पूछा गया है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ट्वेल्व नंबर प्रॉब्लम क्या है, थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाट। तो साइन थ्री थीटा का ये प्रॉब्लम है, साइन थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू, वेयर बॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ। तो ये कंडीशन होता है, तो सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से इसको हम लोग बनाएंगे। अब नेक्स्ट है टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री। तो इसको किस तरह से करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं टेन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस टेन इनवर्स थीटा। तो टेन इनवर्स थीटा कहेगा पे वन अपॉन रूट थ्री माइनस टेन इनवर्स, टेन कितने डिग्री का मान वन अपॉन रूट थ्री होता है, तो टेन थर्टी डिग्री का मान वन अपॉन रूट थ्री होता है, देन टेन इनवर्स टेन थर्टी डिग्री को पाई अपॉन हम लोग क्या लिखेंगे सिक्स, देन माइनस टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, देन माइनस टेन माइनस पाई अपॉन सिक्स, देन डी इज द राइट आंसर। हम लोग डी के लिए जाएंगे, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फोर्टीन, फोर्टीन नंबर प्रॉब्लम क्या है, साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स। तो सिंपल क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होता है पाई अपॉन टू, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, देन साइन पाई बाई टू सिंपल, देन साइन पाई बाई टू वन, देन डी इज द राइट आंसर डी। इनवर्स वन अपॉन थ्री माइन प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन सेवन, इसको किस तरह से करेंगे, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, टू टेन इनवर्स थीटा प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन सेवन, देन टू टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं टू टेन इनवर्स एक्स अगर है देन टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टू एक्स का, अभी पढ़े थे हम लोग कॉस में दिया हुआ था। तो अभी टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको इसी पे हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे, देन क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टू थीटा, थीटा की जगह पे वन अपॉन थ्री अपॉन वन माइनस वन अपॉन नाइन वन माइनस एक्स स्क्वायर, देन टेन इनवर्स क्या हो जाएगा टू अपॉन थ्री अपॉन एट अपॉन नाइन, इस तरह से करेंगे, देन टू फोर जा एट थ्री थ्री जा नाइन, देन क्या हो जाएगा आ जाएगा इसका टेन इनवर्स थ्री अपॉन फोर। अब ये क्या हो गया टेन इनवर्स थ्री अपॉन फोर, अब इसका प्लस कहा जाएगा टेन इनवर्स वन अपॉन सेवन, टेन इनवर्स वन अपॉन सेवन, देन हो जाएगा कितना टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। अब टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स ए प्लस बी इंटू थ्री अपॉन फोर प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन सेवन, इसके बदले लिखेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा सिंपल टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए अपॉन बी,
तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर क्या हो जाएगा सात चौक अट्ठाईस, देन ट्वेंटी फाइव, उसको सोल्व करेंगे देन क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी एट, और नीचे हो जाएगा ट्वेंटी सेवन सात चौक अट्ठाईस माइनस तीन पच्चीस, ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी एट दोनों इक्वल, देन वन वन, देन टेन इनवर्स वन मतलब पाई अपॉन फोर, देन सी इज द राइट आंसर पाई अपॉन फोर। ओके नेक्स्ट 16 नंबर पर क्या है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, इसमें हम लोग देख सकते हैं ये डिटर्मिनेंट वन टू फोर थ्री सेवन नाइन और फोर एट नाइन, तो थर्ड जो रो है तो सबसे पहले अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस रहता है उसको रोज बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइंस रहते हैं उसको कॉलन बोलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड रो रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलन वाइज भी कर सकते हैं, तो अगर हम लोग थर्ड रो से फोर बाहर ले लेते हैं, फोर बाहर ले लेते हैं थर्ड रो से, देन कितना हो जाएगा वन टू फोर थ्री सेवन नाइन और वन टू फोर इतना हो जाएगा, देन इसका दोनों रो क्या हो गया इक्वल। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलन इक्वल होता है देन डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है जीरो होता है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा जीरो, देन बी इज द राइट आंसर सेकेंड में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और प्रॉब्लम देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स क्लास ट्वेल्थ का मैथ पढ़ना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।